तो गाइज आज हमारे पास है आईकू का Z3। अरे इधर इधर कहाँ जा रहे हैं? रुक, बच्चे के हाथ में फोन, क्या कर रहा है फोन लेके? फ्री फायर खेल रहा था। कैसे खेलता है फ्री फायर एक बार दिखा? ऐसे ऐसे खेलता है? हाँ। मजा आता है खेलने में? हाँ। बहुत मजा आता है। हाँ। तो चल कोई ना, तो आज हम क्या करेंगे इस फोन में? गेम खेलेंगे। हाँ। कौन सा गेम खेलेंगे? फ्री फायर। नहीं, कौन सा गेम? पबजी। कैसे खेलते एक बार दिखा? तो खेल पाता है पबजी? हाँ। कैसे खेलता है ऐसे? हाँ। तो आज मैं करूंगा हैंड कैम फोन में। क्या करूंगा? तो हाथ में फोन को तू पकड़ रहेगा, मैं इस फोन से गेम खेलूंगा, ठीक है? ओके, कर पाएगा? और नहीं कर पाएगा तो क्या करूंगा तेरे को उठक बैठक। ये लौंडा समझ गया। हाँ। तो चलो शुरू करें फिर। इधर देख, एक स्माइल दे दे। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास है आईकू Z3 और इसमें हम लोग करने वाले गेमिंग टेस्ट। और गाइस मतलब गेम हमने खेल के नहीं देखा, मतलब क्या यार क्या बोल रहा मैं। तो गेम बहुत बार खेल चुका हूँ फोन में, एक साल हो चुका है फोन को परचेस किया, 8-9 महीने तो हो ही चुका है। तो गाइस यार बाहर से शोर वगैरह आ रहा है बहुत ज़्यादा। सो यार इस फोन में हम लोग करने वाले गेमिंग टेस्ट, यहाँ पे BGM आप लोग देख सकते हो। तो 1 ईयर बाद में फोन मतलब गेम को वैसे चलाते, तो फोन के अंदर कंपनी दावा करते कि 5 लेयर का लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जाता है। उसके साथ गाइस यार 768 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्टेबल प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। सो गाइस देखेंगे खेल के। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अच्छा आ जा। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं घर पे, और गाइस अभी हम लोग देखेंगे फोन में गेम को खेल कर कितने FPS तक देता है, और गाइस कितने तक गेम को चला पाता है, और गाइस फोन में मतलब कौन सा सेटिंग में गेम को सपोर्ट करता है। तो गाइस सबसे पहले एरिना को खेलते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या वगैरह लैग वगैरह हम लोग देखने को नहीं मिलता है, फिर मिलता है। और गाइस देखेंगे कितने FPS में कितना ज़्यादा लैग देखने को मिलता है। और गाइस हम लोगों को फोन में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम और HDR प्लस अल्ट्रा हाई सेटिंग देखने को मिल जाता है। और गाइस फोन में लगा है स्नैपड्रैगन 768 का प्रोसेसर। तो गाइस प्रोसेसर तो काफ़ी तगड़ा है, और गाइस स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हमेशा गेमिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा सही होता है MediaTek के प्रोसेसर के मुताबिक। सो यार ये पे गेमिंग एक्सपीरियंस हम देखते हैं कितना ज़्यादा अच्छा देता है फिर नहीं। तो गाइस इसका जो N2 बेंचमार्क 4.5 लाख जैसा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं गाइस गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे देते हैं। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं एरिना वाला स्टार्ट हो चुका है, और गाइस यहाँ पे अभी तक तो गेमिंग का FPS हम लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके देखेंगे, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड करने से FPS ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। सो गाइस सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ट्राई करेंगे, उसके बाद गाइस देखेंगे कैसा FPS देता है। सो यार एंड तक जरूर देखना, अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ज़्यादा मेहनत करा तुम्हारा भाई चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए, बहुत ज़्यादा थैंक यू सबको। तो जैसे 2K करा दो, 5K करा दो, 10K करा दो, 100K बहुत जल्दी करेंगे यार, तो ऐसे सपोर्ट करते जाओ, बहुत जल्दी कर लेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पे खेलते हैं। तो गाइस देखते हैं अभी तक स्मूथ एक्सट्रीम पे चल रहा है। तो गाइस मजे ले लो गेम प्ले का। अभी तक गाइज हमने खेला है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर, और गाइज अभी हम खेलने वाले HD मतलब HD नहीं बैलेंस, स्मूथ के बाद बैलेंस आता है। तो गाइज बैलेंस प्लस अल्ट्रा तक सपोर्ट करता है, तो गाइज अभी हम लोग उसमें खेल के देखते हैं। तो गाइस अभी तक हम लोग खेल रहे थे बैलेंस प्लस अल्ट्रा तक, और गाइस अभी हम खेलने वाले स्मूथ मतलब हाई प्लस अल्ट्रा में। और गाइस देखेंगे अभी थोड़ा फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिल सकता है, तो यार नोटिस करना यार क्या देखने को मिलता है, तो कमेंट पे जरूर बताना।
तो गाइस अभी हम कर देंगे हाथ पार और गाइस खेलेंगे अभी हम अल्ट्रा पे और वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। तो गाइस कोई भी अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के साथ गेमिंग खेलना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए फ़ोन क्या सही होने वाला है फिर नहीं। तो ये चीज़ ट्राई करने के लिए हम गाइस अल्ट्रा पे खेल के देखेंगे। तो इसमें भी अगर स्मूथली चल लेता है इतना गेम खेलने के बाद, 8-9 महीने से हम लोग गेम खेल ही रहे थे फ़ोन में, खेलते जाते हैं फ़ोन डेली खेलते, बहुत ज़्यादा खेलते हैं गेम। सर अभी भी अगर लैग नहीं हो तो गाइस आप लोग परचेस कर सकते हो, आप यूट्यूब के लिए भी ये फ़ोन को परचेस कर सकते हो। सो यार अभी तक तो कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, सो अभी आके देखते हैं। सो गाइज इसके विक्ट्री हो चुका है, मिल चुका है। और गाइज यहाँ तक हम लोगों को कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला फ़ोन में, थोड़ा सा भी नहीं। लेकिन अल्ट्रा में जैसे चलता है उससे दूसरा फ़ोन में जैसे चलती है, जिन लोगों फ़ोन में अल्ट्रा में एक्सट्रीम सपोर्ट करता है, तो गाइज यहाँ पे हम लोगों को अल्ट्रा में अल्ट्रा तक कोई दिक्कत नहीं आया। सो यार यहाँ पे फ़ोन बहुत ही सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन ज़्यादा हीटिंग भी नहीं हुआ, मैं टच करके देख सकता हूँ पीछे। तो यार मैंने देखा टच करके पीछे, उतना गर्म भी थोड़ा सा भी नहीं हुआ, लेकिन रूम का हमारा टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, फैन नहीं चल रहा था। सो गाइस यहाँ पे लैग कर रहा था मेरा फ़ोन, देख सकते हो कैमरा मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा हीट हो रहा था मतलब वीडियो करने के टाइम पे, लेकिन वो फ़ोन कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चल रहा था और लैग भी नहीं हो रहा था। और यहाँ पे देखो हमारा कैमरा मैन गर्मी में यार पसीना ख़राब हो गया, तो बोलो लाइक कर दो वीडियो को, लाइक कर दो, इधर 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 देख के बोल लाइक कर दो और सब्सक्राइब बजा दो, बेल आइकन बजा दो, बेल आइकन बजा दो। तो यार बच्चे के लिए सब्सक्राइब तो बनता है, बहुत मेहनत किया, फोन लैग कर रहा है बहुत ज्यादा। सो गाइस कमेंट पर जरूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और यार चैनल में कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और गाइस सपोर्ट ऐसे ही करते जाना, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो यार चलो मिलते ही इससे भी ज्यादा कोई बड़ी से वीडियो के साथ, और आपको अगर कोई भी फोन के ऊपर टेस्ट गेमिंग वगैरह चाहिए मेरे पास अगर होगा तो मैं जरूर बना के दूंगा, और कौन सा टॉपिक ऊपर मेरे को वीडियो बनाना चाहिए कमेंट पर आप लोग जरूर बता सकते हो। और गाइज लाइक कर देना उस कमेंट पे, ज़्यादा से ज़्यादा तो वीडियो चला आएगा। तो यार चलो आज के वीडियो कहीं तक खत्म करते हैं, और ये फोन को अगर परचेस करना चाहते हो आप गेमिंग के लिए IQ Z3 को, तो आँख बंद करके परचेस कर सकते हो, 17,000-16,000 में आप लोगों को सेल में देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो परचेस करने से गाइज आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये प्रेजेंट के अंदर बेस्ट गेमिंग फोन आप लोग मान सकते। तो गाइज चलो वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं इससे भी ज़्यादा कोई बढ़िया सा वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।